मोहन भैया चला राजकुमार तेरे को चले ने हवाई जहाज था चल अंदर बहुत जगह बड़ी चलो भी आगे चलो चलो बड़ा गाड़ी भी आगे चलो भी आगे बढ़ाओ भाई सुने आया है क्या सको सको भूख लग रही है तू रोटी लाई है ना निकाल हाँ निकाल दे वापस अरे ले लेने दो बच्चा ही तो है नहीं आप ले लो वापस दे तू तो खाएगी ना ना चाहिए हुए भैया 60 रुपए इतनी सी दूर के 60 रुपए ते लगते हैं भैया यहाँ से कोई रिटर्न सवारी तो मिलती नहीं है वापस के सवारी नहीं मिले तो दोनों तरफ के लगते हैं क्या मैच मत करो यार तो पहले खोपड़ा खराब है इतना बोला अपना और निकलो आया मजा 3 पहिए की गाड़ी में हाँ इतना पैसा जो ले गया वो अरे तू फिक्र मत कर पैसा कमाने ही तो आए यहाँ पर बहुत डर लग रहा है हो तुझे तो हर वक्त डर ही लगता रहता है मोहन ने अपने घर का पता नहीं कहीं अरे भैया ये मोहन का घर कहाँ पर है हाँ यही है धन्यवाद मोहन ओ मोहन अरे आ गया तू हाँ आ गए तेरे शहर जाते अच्छा अच्छा बारिश को भी अभी आना था आ जाओ अच्छा आओ
ले जरा चाय चढ़ा देखो। वो तो मैं चढ़ा दूंगी, पर इनको ये रखने वाली हूँ क्या? और कहाँ जाएंगे अभी? ये भगवान, मैंने आपको कितना समझा, आजकल जमाना खराब है, ऐसे किसी को भी घर में नहीं घुसाया जाता। दोस्त है मेरा, अच्छी तरह जानता हूँ उसको। हाँ, जानने वाली गुल खिलाते, रोज तो आता है टीवी में पेपर में, तब भी आपकी आंखें नहीं खुलती। चल चल, तू बहस मत कर, चाय बना। अरे भाभी जी, आप घबराओ मत, हम ऐसे लोग नहीं है। अरे कुछ नहीं यार, वो तो ऐसे ही। अरे नहीं भैया, आप बैठिए, आप ही के घर समझिए, मैं चाय बनाती हूँ। आप चाय बना, चल जा, तो देख अंदर कुछ काम है। उसकी बात का बुरा मत मानना है। अरे नहीं नहीं, मेरे को सब मालूम है, छनानी की अकल चोटी में होती है। इनको जमाने की कोई समझ तो है नहीं, जो मन में आता है वो बोल देती है, नहीं तो दोस्त के साथ कोई दगाबाजी थोड़ी करता है। तू बता, काम पे कब से जा रहा है? कल से ही, शुभ काम में देरी कैसी? देख, तेरे लिए एक कमरा देखा है, आज चल के देख लेना, जमे तो कल से ही मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, भाई तूने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अरे जा रहा हूं मैं, तू देख यहाँ के आसपास की औरतों के साथ जमा ले बैठक। हाँ। कब तक आओगे? तू कहे तो ना जाऊं। मत जा, शहर घूमने चलेंगे। हाँ, मत जा, और कमाओ भी मत, फिर खाएंगे क्या? अबा, चम्मच से खाएंगे कि हाथ से? अब देर नहीं हो रही है? हाँ चल, चलता हूँ, सुपरवाइजर ने 10 बजे का टाइम दिया। चल चलता हूँ। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही है? यहाँ सब लोग बंद रखते हैं ना। से सबकी नकल करेगी क्या? गांव में तो कभी बंद नहीं किया तूने। ठीक है, बंद नहीं रखूंगा। राम राम दादा। तुम हुकुम हो? हाँ साहब। क्या हाल चाल है, सब सेट हो गया यहाँ पे? हाँ साहब, कमरा भी मिल गया। अरे वेरी गुड, तो काम के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। अरे मुरली, चलो मुरली सुनाता हूँ तुम्हें। जी अरे सुनो, इसको जरा काम सिखा देना, ठीक है? आजा भाई, यहाँ अपना काम पूरा नहीं होता, अब इनसे सर फोड़ो। आप बहुत अच्छे आदमी है ना? इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, ऐसे ही मीठे मीठे बोलकर काम निकालते हैं ये लोग। अरे भाई, ऐसे हर किसी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। नया आया है शहर में? हाँ पहली बार ही आए हैं सर। तभी देख, शहर में सब अलग होता है, बहुत धांधली चलती है यहाँ। पर मैंने तो सुना था कि शहर बहुत सुंदर होता है, लोग बहुत मजे से रहते हैं यहाँ पर। अरे दूर के ढोल सुहावने, यहाँ पे जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। अच्छा तो भैया,
सब लोग यहाँ से गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? मजाक उड़ा रहा है मेरा? अरे नहीं नहीं भैया, सच कह रहा हूँ। तेरा गांव कौन सा है? चैनपुरा। क्या करता था वहाँ? थोड़ी बहुत जमीन थी, उससे काम चल जाता था। फिर यहाँ क्यों आया? बस खाना पीना ही हो पाता था। वैसे कोई बहुत तकलीफ नहीं थी, लेकिन सुनते थे शहर की जिंदगी की बात ही अलग है। ये जगमग जगमग बाजार, ये चौड़ी चौड़ी सड़क। हमारे गांव में तो साल में एक ही बार मेला लगता है, यहाँ तो हर रोज मेले हैं। और पैसा तो शहर में ही होता है ना, अब थोड़ा आराम से रहने लायक कमा ले इसलिए आए। थोड़े दिन रह ले, सब पता चल जाएगा आटे डाल का भाव। पर भाव तो उतने ज्यादा नहीं लगे, मैंने कल ही सारा सामान खरीदा है घर का। बना अब तक नहीं गया, रुक जाते पानी बंद हो जाता फिर आते। ए, पगली है तू तो, ऐसे बारिश में भीगने का ही आनंद अलग होता है। हाँ, और खाट पकड़ने का भी आनंद अलग होता है। इतने से कुछ नहीं होता, जा तू अंदर गर्मा गर्म चाय बना दे, ऐसे बरसात में तो चाय का स्वाद आता है। एक बात समझ में नहीं आती। क्या? यहाँ कोई किसी का भरोसा ही नहीं करता है। किसी से अच्छे से बात भी करो तो उसके पीछे लोग बुरा ही देखते हैं। क्या हुआ भाई, किसी ने कुछ बोल दिया क्या? नहीं, जब हम गाड़ी से आ रहे थे तो हमें भूख लगी, हमने खाना निकाला, बगल में एक भैया बैठे थे, हमने सोचा उन्हें भी दे देते। जब हम उनको देने लगे तो उन्हें ऐसा ऐसा चेहरा बनाया जैसे हम उनको जहर दे रहे हैं। फिर एक बच्चे को दिया तो उसकी माँ ने छुड़ा कर वापस दे दिया। अब बताओ, ऐसा भी कहीं होता है? कोई छोटे से बच्चे को गलत चीज क्यों देगा खाने को? तू दुनिया से बहुत अनजान है लगता है भाई। दुनिया में आजकल क्या क्या होता है कुछ पता भी है? क्या क्या होता है? बार अखबार पढ़ता है कि नहीं? इतना पढ़ते लिखते तो आज अफसर नहीं बन जाता। हमारे गांव में तो सिर्फ सरपंच जी के यहाँ ही आता है अखबार, बाकी तो शायद ही कभी किसी ने पढ़ा हो।
वैसे क्या होता है उसमें? रोज के समाचार छपते हैं, कहाँ क्या हुआ सब लिखा रहता है। अच्छा भाई, तू एक काम करेगा क्या? हाँ हाँ बोल। मुझे भी पढ़कर सुनाएगा? हाँ हाँ जरूर सुना देंगे, रोज सुना देंगे। इस बहाने तुझे शहर में रहने के तौर तरीके तो आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, तू ना होता तो शहर में रहना बहुत मुश्किल होता, हम तो भेरू बन जाते भैया। चल अब आज की भी खबर सुन जा, मैंने भी नहीं पढ़ा अखबार ना। तो सुना, खबर है मंत्री जी ने 100 करोड़ का घपला किया है। ये क्या लिखा है, सब झूठ मूठी लिखते हैं क्या? अरे इतना पैसा भी किसी के पास होता है क्या? हमें तो 100 रुपए भी भारी पड़ते हैं भैया। अरे भैया ये 100 करोड़ खा जाते हैं तभी तो हमें 100 रुपए भारी पड़ते हैं। पर भैया इतना पैसा हो जाए तो हमारी 7 पुस्तें खाएं। हाँ पर ये चैन से नहीं रहते, अगला मौका मिलने पे फिर 100 करोड़ खा जाएंगे। चल अब आगे सुन। घर का ताला तोड़ के चोर पूरा घर साफ कर गए। एक आदमी ने दोस्त के साथ संबंध होने का शक होने पे अपनी पत्नी को जान से मारा। पायल की चोरी के लिए पैर ही काट कर ले गए। कल आजाद नगर इलाके में दिन दहाड़े दिल दहलाने वाली वारदात हुई। बच्चे का अपहरण कर भेज दिया। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, 9 दुकानों का ताला तोड़ माल ले उड़े। कलाली पर खूनी संघर्ष, सर काट के दरवाजे पर लटकाया। दरिंदे ने हाथ पैर काट कर घर में फेंक दिए। बेटी के मॉल में जाने से नाराज पिता ने की पत्थरों से मार मार कर हत्या। पिलाई शराब किया झगड़ा, दीवार से सर भिड़ा कर पत्थर से कुचला। प्यार में इनकार, प्रेमिका पर सरे रहा दरिंदों की तरह टूट पड़ा हो। 18 साल तक खेला खिलौना खेल और तोड़ दी इंसानियत की सारी हदें। ट्रेन में बदमाशों का तांडव, महिलाओं के साथ बर्बरता और अश्लीलता, गैंग की खौफनाक हरकत, महिला को लूट, इंजीनियर कुमारी गोली, होटल मालिक की ऐसी हत्या की कि रोंगटे खड़े हो जाएं। सुबह सुबह काम पे जाओ, आदमी ना हुए ढोर हो गए। अरे इससे अच्छे तो ढोर ही है, ये भी कोई जिंदगी है। काम पे जाओ, खाओ और सो जाओ, उसके बाद फिर काम पर जाओ। न चैन से खाना न चैन से सोना, ऊपर से कब लूट जाएंगे उसकी दुगदुगी अलग। चोर लुटेरे खुले घूमते, विश्वास का तो जमाना ही नहीं रहा। सको सको, क्या दरवाजा लगा ले। क्यों लगा ले? और मैं आऊं जब ही खोलना। क्या हुआ, रोज तो खुला रहता है। रहता होगा, आज से बंद रखा कर, बुरा टाइम बता के नहीं आता। लो आज तक तो ऐसा नहीं कहा कभी। देख अब तू ज्यादा बहस मत कर, जितना बोला है उतना कर, चलता हूं।
कैसे हो तुम? ठीक है सर। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या सर? तुम्हारे काम से कंपनी खुश है और तुम्हें परमानेंट भी बना दिया है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी पगार भी बढ़ा दिया है। खुश? हाँ सर। चलो इसी तरह मन लगा काम करो। वाह भाई, तूने तो तरक्की कर ली। हाँ, अब इतना काम करने के बाद इतना भी ना करे तो क्या? अब आज पगार बढ़ाइए, कल क्या भरोसा, नौकरी से ही निकाल दो। अरे भाई, पर आज तो पगार बढ़ा दिए ना, मजे कर। हाँ वो तो है। देर और रुक जाता तो क्या हो जाता? बस पहुंची तो गया था। क्या हुआ? आज बरसात से बचने की बात कर रहे हैं। कपड़े बदल लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा था ना कि दरवाजा बंद रखना। बंद ही था वो, मोहन भाई आए थे तो खुला रखा था। ये भी तो कहा था कि मैं आऊं जब ही खोलना, मगर मोहन भैया को ना कैसे कहती हूँ। पर ये बात तो तूने मुझे बताई नहीं कि वो आया था। अब आते ही बताने की क्या जरूरत थी, आते ही बैठते चाय भी पीते फिर बताती ना। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, आजकल पहले जैसे नहीं रहते। बारिश के वक्त ऐसे बैठे हुए देखा नहीं आपको, और आज तो भीग कर भी नहीं आई। और आज मेरे पर शक भी किया। मन की हालत अजीब सी हो गई है, हमेशा शंका में ही रहता है, बुरे बुरे विचार आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे आसपास सभी चोर लुटे रहे। आज तक तो ऐसे कभी नहीं सोचा, यहाँ आकर ये बीमारी क्या लग गई है। पहले गिरते पानी में सब भूल जाते, और अब आज उसी से बच के भागे। कुछ समझ में नहीं आता।
हद हो गई अब तो। बाबा त्यागानंद को जानता है? हाँ। प्रवचन है क्या महाराज जी के? बहुत दिन हो गए, जब से शहर में आए धर्म कर्म ही छूट गया है। अरे मेरे भगत, पूरी बात तो सुन ले। रंगे हाथ पकड़ाए तेरे ये महाराज अपने एक भक्तन के साथ, और ये भी लिखा है कि एक बच्चे की बलि भी चढ़ाई। हे प्रभु, अब तो तेरे नाम पर भी कुकर्म होने लगे, हम तो पगला जाएंगे भैया। हम तो समझ में नहीं आता है कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें। और ये सुन, अपने पीछे वाली गली की बात है, एक दोस्त ने दूसरे को शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो उसने उसकी हत्या कर दी। भैया, यहाँ कोई अच्छा काम नहीं करता है क्या? महीने हो गए मैं रोज खबर सुनता हूँ, मगर कभी कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई तूने। अरे भाई, जो होता है वही छपता है ना। मुझे नहीं मालूम भैया, पर अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो ये दुनिया चल कैसे रही है? मेरा तो सिर घूमता रहता है, सब चोर डाकू ही लगते हैं। इससे अच्छा तो हम गांव में ही भले थे। ऐसा नहीं है कि गांव में चोरी चकारी नहीं होती, होती है, लेकिन हर वक्त यही नहीं होती। जो अच्छा हो रहा है लोग उसकी बात करते हैं, अच्छे लोगों को इज्जत देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ अच्छे लोग हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो कहाँ है, कोई उनकी बात क्यों नहीं करता? रोज रोज ये सब सुनकर तो दुनिया ही रहने के लायक नहीं लगती। इससे अच्छा तो हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन हम सुखी से थे भैया। अब तो तू बस बंद कर दे, हम अज्ञानी ही भले। शहर के लोग मजबूत होते हैं, वो ये सब सहन कर सकते हैं। शायद मेरा मन कमजोर है, मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। पर मेरे भाई, ये सब होता है तभी तो छपता है ना, फिर क्या झूठ मूठ छाप दे अच्छी अच्छी बातें? मुझे नहीं मालूम भैया, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि अच्छी बात सुनने से हिम्मत बढ़ती है। इसीलिए तो हम बच्चों को वीरों के, महात्माओं के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। रोज रोज ये खून खराबे की खबर सुनकर तो मन डूबने लगता है, और कौन जाने ये सब सुनते सुनते एक दिन खुद से ये सब हो जाए। मुझे तो डर लगता है भैया, अब तो बस तू बंद कर दे, अब तो हमारा शहर में रहने का सपना भी पूरा हो गया है। मतलब अब हम यहाँ से जाएंगे भैया, अब हमारा मन नहीं लगता यहाँ पर, और यहाँ तो हम अपने घरवाली से भी ठीक से बात नहीं कर पाते, दिन भर बस काम ही काम। और बसता क्या है आखिर? कुछ नहीं, मशीन हो गए। इससे अच्छा तो हम गांव में ही भले थे, थोड़ा कम था लेकिन पूरा पड़ जाता था, और सबसे बड़ी बात मन प्रसन्न था। मन प्रसन्न हो तो भूख भी भूख जैसी नहीं लगती, वरना पेट भरा हो तब भी शांति नहीं। तू पागल हो गया? अभी तो शुरू ही किया है, कुछ साल तो बिता तो तरक्की भी हो जाएगी। तरक्की के चक्कर में जीवन झोंक दे? नहीं भैया, हमें तरक्की से ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी है। अब चलता हूँ, अब मेरा मन यहाँ नहीं लग गया। गाँव जरूर आना, भाभी को भी साथ में लाना।
अब तूने मन बना ही लिया है तो मैं क्या बोलूँ, फिर भी एक बार सोच ले। इतने लोग आते हैं, फिर मैं भी यहाँ हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। तू मोहन है, मैं हुकुम। आदमी आदमी में अंतर होता है। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। तू नहीं मानेगा, ठीक है, फिर कुछ हद तक तेरी बात भी ठीक लगती है, ठीक है, पर शहर घूमने तो आ ही सकता है ना, इतना बुरा भी नहीं है शहर, कभी कभी आ जाना, मेरा घर है यहाँ, ठीक है? जरूर आऊँगा। Thank you.